हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीबी में अपनी रेंज को सेल के बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर के बेसिस पे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास सेल्स नाम की एक सीट है। इस सीट में हमारे पास जो डेटा है इसको कॉलम ए में अवेलेबल सेल कलर के बेसिस पे हमको सॉर्ट कराना है, और सॉर्टिंग ऑर्डर होगा हमारा वो रो सबसे पहले आनी चाहिए जिनमें कॉलम ए का सेल कलर ग्रीन है, उसके बाद येलो कलर वाली रो और सबसे लास्ट में रेड कलर वाली रो आनी चाहिए। एक कमांड बटन ऐड कर लेते हैं डेवलपर टैब में जाके। इंसर्ट के अंदर एक्टिव एक्स कंट्रोल में हमको कमांड बटन मिलेगा जिसको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसका कैप्शन चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज विंडो में कैप्शन प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देंगे सॉर्ट बाय सेल कलर लिख लेते हैं इसका नाम। प्रॉपर्टीज विंडो को क्लोज करते हैं और इस बटन पर कोडिंग करने के लिए इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमको वीबी एडिटर पर जंप करा देगा। जैसे कि हम करते आए हैं, जब भी किसी सीट पर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले सॉर्ट फील्ड्स क्लियर करते हैं। वही हम इसमें करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फिफ्थ ब्लॉक का यूज किया था इसमें भी करते हैं। हम लिखते हैं फिफ्थ और हमें सॉर्टिंग अप्लाई करानी है सेल्स वाली सीट पे जिसका डोमेन नेम है सीट टू। हम दे देंगे सीट टू डॉट सॉर्ट और सबसे लास्ट में इस फिफ्थ ब्लॉक को एंड कर देंगे। और सबसे पहले हमें क्या कराना है, सॉर्ट फील्ड्स को क्लियर कराना है, तो हम लिखेंगे सॉर्ट फील्ड्स डॉट क्लियर फंक्शन। अब सॉर्ट फील्ड्स एड करने का कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम तीन सॉर्ट फील्ड्स ऐड करेंगे, पहला होगा ग्रीन के लिए, उसके बाद येलो के लिए और सबसे लास्ट में रेड के लिए। जिस ऑर्डर में भी हम सॉर्ट फील्ड्स ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में उन सॉर्ट फील्ड्स के कलर के बेसिस पर हमारी रेंज सॉर्ट हो। सॉर्ट फील्ड्स ऐड करना लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, सेम वैसे ही करेंगे। हम लिखेंगे सॉर्ट फील्ड्स डॉट ऐड फंक्शन और इसके की पैरामीटर में हम उस कॉलम के फर्स्ट सेल का एड्रेस देंगे जिसके बेसिस पर हमें सॉर्टिंग अप्लाई करानी है। वो है हमारा कॉलम वन, इसका एड्रेस हो जाएगा फिर हमारा रेंज A1 और उसके बाद हमको देना है सॉर्टिंग वाला पैरामीटर जिसमें हम देंगे कि हमें सॉर्टिंग करानी है, वो करानी है सेल कलर के बेसिस पे, तो हम देंगे एक्सेस बटन कलर। और जब हम कलर के बेसिस पे कराते हैं तो उस पर हम सॉर्ट ऑन वैल्यू डॉट कलर प्रॉपर्टी में वो कलर पास करते हैं जिसको हमें सॉर्ट फील्ड में ऐड करना है। तो सबसे पहले जो सॉर्ट होके रो जानी चाहिए वो हमारी ग्रीन कलर की है, तो हम देंगे वीबी ग्रीन। और उसके बाद हम तो और सॉर्ट फील्ड बिल्कुल ऐसे ही ऐड करेंगे, एक हम ऐड करेंगे येलो कलर के लिए और दूसरा ब्लू कलर के लिए। तो दो बार इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हमारा कॉलम तो सेम है, सॉर्टिंग भी हम सेल कलर के बेसिस पे कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारा ये इसकी सॉर्ट ऑन डॉट वैल्यू डॉट कलर प्रॉपर्टी है इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं। सेकेंड कलर हमारा आना चाहिए येलो और थर्ड वाला रहेगा हमारा जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर शॉर्ट फील्ड ऐड किए हैं कि पहले ग्रीन उसके बाद येलो उसके बाद रेड, इसी ऑर्डर में जब सॉर्टिंग अप्लाई होगी तो हमारे सेल्स इसी ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। अब हमको क्या करनी है, इसकी रेंज सेट करनी है, तो उसके लिए हम फंक्शन देंगे सेट रेंज जिसमें हम रेंज दे देंगे जिस रेंज पर हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, वो है A1 से लास्ट रो है 33। तो हम दे देते हैं रेंज A1 A33 और फिर हमारी रेंज में हेडर है तो हम दे देंगे हेडर में एक्सेलियस और फिर अप्लाई फंक्शन यहाँ पर कॉल करा। और अब वापस से अपनी एक्सेल की सीट पर आते हैं और जो हमारा डिजाइन मोड है इसको ऑफ करके सॉर्ट बाय सेल कलर वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इसने हमारे रेंज को सॉर्ट कर दिया जिसमें सबसे पहले वो रोज आ गए जिनका हमारा सेल कलर ग्रीन है, फिर येलो कलर वाली और सबसे लास्ट में हमने जो शॉर्ट फील्ड ऐड किया था वो रेड के लिए था, सबसे लास्ट रेड कलर वाली रोज शॉर्ट होकर आ गई है।
अभी जो हमने शॉर्ट फील्ड ऐड किए थे उसमें जो हमने कलर प्रॉपर्टीज में वैल्यूज पास की थी कलर के लिए, उनको हमें पता था ये ग्रीन कलर है, ये येलो है और सबसे लास्ट में रेड कलर है। पर कभी ऐसा हो कि हमारे पास ऐसे कलर्स हो जिनका नेम हमें पता नहीं हो और तब उन कलर के बेसिस पे हमको सॉर्टिंग करानी है, तो कैसे करा सकते हैं चलिए सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डमी डेटा नाम की सीट है जिसमें ये कुछ कलर्स हैं जिनका हमें नेम नहीं पता है। सो इन पर सॉर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर हमको कलर कॉन्स्टेंट का नेम नहीं पता है तो तब हम VBA का RGB फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो मान लो अगर इस डेटा पे मुझे सॉर्टिंग अप्लाई करानी है तो कैसे करते हैं, एक कमांड बटन ऐड कर लेते हैं, इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं, शॉर्ट लिख देते हैं और इस बटन पर कोडिंग कर लेते हैं। तो इस बटन पर जो कोड होगा तो आप देखोगे तो सेम ही है, हमारी रेंज भी A1 से लगा के D33 तक ही है, सिर्फ कलर के नेम अलग अलग है, वरना हमारा कॉलम भी सेम ही है जिसके बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने इस शीट में कोड लिखा था इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस वाली सब रूटीन में पेस्ट कर देते हैं। और चेंज होगा यहाँ पर सीट का डोमेन नेम, तो डमी डेटा नाम की सीट का डोमेन नेम है C1, तो हम यहाँ पर C1 दे देंगे। और फिर हम चेंज करेंगे कलर कॉन्स्टेंट के नेम, तो जैसे कि डमी डेटा सीट में आप देखोगे तो मान लो ये वाला कलर जो है सबसे ऊपर आना चाहिए, उसके बाद इस कलर वाली रो जो सबसे लास्ट में ये मैजेंटा जैसा जो कलर है इसकी रो जानी चाहिए। तो अगर हमें कलर कॉन्स्टेंट नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, RGB फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसमें RGB के क्या वैल्यूज होगी वो हम निकालने के लिए जाएंगे होम टैब में और फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप मोर क्लिक्स वाला जो एक ऑप्शन है इसे क्लिक करोगे और कलर्स वाले डायलॉग बॉक्स में कस्टम में जाओगे तो यहाँ पे हमको रेड ग्रीन और ब्लू कलर की वैल्यूज मिल जाएगी। सो रेड के लिए हमारी 255, ग्रीन के लिए 51 है और ब्लू के लिए है 204। सो हम VB ग्रीन की जगह दे देते हैं VB.RGB फंक्शन और RGB में रेड कलर के लिए थी हमारी 255, ग्रीन के लिए 51 थी और ब्लू कलर था हमारा 204। या तो हम इस तरह RGB फंक्शन में रेड ग्रीन और ब्लू कलर के कोड्स पास कर सकते हैं या फिर सबसे इजी तरीका हमें क्या होगा, एक नई सीट ऐड कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं हम जिस जिस कलर के बेसिस पे हमको शॉर्टिंग करानी है उनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस सीट में। सो कलर प्रॉपर्टी में हम RGB फंक्शन की जगह क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे सेल्स हैं इन सेल से हम सेल कलर गेट कर सकते हैं और वो यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को डिलीट करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सीट है नहीं वो C3 है, तो हम दे देते हैं C3 डॉट और रेंज है जिसमें कलर है हमारा पहला कलर है A1 में, तो यहाँ पर दे देंगे A1 और हमको क्या चाहिए सेल का कलर, तो उसके लिए देंगे हम इंटीरियर डॉट कलर प्रॉपर्टी और कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड शॉर्ट फील्ड में हमको कलर चाहिए A2 सेल का और थर्ड शॉर्ट फील्ड में हमें कलर चाहिए A3 शॉर्ट फील्ड का, बस यही करना है। अब चलते हैं हम अपनी सीट पर और जो डिजाइन मोड है इसको ऑफ करके शॉर्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखो हमारा डेटा एक कलर के बेसिस पर शॉर्ट हो गया है। सेल कलर के बेसिस पर अपनी रेंज को शॉर्ट करना हमने सीख लिया, अब फॉन्ट कलर के बेसिस पर रेंज को सॉर्ट करना सीखते हैं। हमारे पास सेल डेटा सीट में ये एक रेंज है, सेम ही डेटा है A1 से D33 तक, बस इसमें कॉलम A में सेल के जो फॉन्ट कलर है वो हमने दे रखे हैं। तो क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ग्रीन फॉन्ट कलर वाली रोज आनी चाहिए, उसके बाद ब्लू और सबसे लास्ट में रेड वाली। सो एक कमांड बटन ऐड कर लेते हैं इंसर्ट में ActiveX से, का कैप्शन चेंज कर देते हैं शॉर्ट बाय फॉन्ट कलर, डबल क्लिक करके VB एडिटर पर आ जाते हैं। सो क्योंकि हम सेम ही रेंज पर सॉर्टिंग अप्लाई करानी है, सो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हमने जो पहले कोड लिखा था उसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं
और अब के जो हमें सॉर्टिंग अप्लाई करानी है वो सेल डेटा नाम की सीट पे करानी है, जिसका डोमेन नेम है सीट 4। तो यहाँ पर दे देंगे सीट 4। और जब सॉर्ट फील्ड ऐड कर रहे होंगे तो इसमें सॉर्ट ऑन जो हमें कराना है, सेल कलर पर नहीं कराना, तो इसको चेंज कर देंगे सॉर्ट ऑन फॉन्ट कलर। कॉपी करके तीनों सॉर्ट फील्ड में इसको हम चेंज कर देते हैं और हमारा जो पहला सॉर्ट फील्ड है, प्रॉपर्टीज विंडो को बंद कर देते हैं, वो हमें सबसे ऊपर चाहिए ग्रीन कलर, सो वी भी ग्रीन ही है। सेकंड में हमको चाहिए ब्लू, तो हम येलो को चेंज कर देते हैं वी भी ब्लू से। और सबसे लास्ट में हमें रेड चाहिए, तो रेड ही रहने देंगे, बाकी कुछ और चेंज नहीं करना है। सेव करके चलते हैं हम अपनी सीट पर। डिजाइन मोड ऑफ करके अपने बटन पे क्लिक करते हैं सॉर्ट बाय फॉन्ट कलर। सो जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया, हमारा डेटा बेसिस ऑन कॉलम ए फॉन्ट कलर सॉर्ट हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड या वीबीए से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।